గాని ఆఫ్ఘన్ చాలా దౌర్జన్యం भेजो किसी को हमसे क्या जरा गाड़ी पर ले जाओ उन्हें कह दो हमने छुट्टियाँ दे दी हमने सही है, सही है आपकी बात। बुजुर्ग आदमी है, इनका भरोसा आप
एक बार नहीं खुलेगा नंबर एक, दूसरा मैं आप गरीब वालों को बुला दूंगा, वो भी यही कहेगा। वीडियो बना मेरा नाम ममता नाटा है, हम नाटो की गली से मोक्ष मार्ग सुख सागर नगर। हमारा कलेक्टर साहब से यही कहना है कि हमारे यहाँ पे चार दिन से शराब का ठेका खुला है। हम लोग जैन है, वो भी जैन मंदिर के एकदम बाजू में है, इसलिए हम यही कहना चाहते हैं, हम बहन बेटी को आने जाने में प्रॉब्लम होती है, लोग पी के गलत वर्ड निकालते हैं, और शमशान घाट भी हमारे पास में भी है, और सब चार रास्ते हैं वहाँ पे, हर कोई आने जाने की दिक्कत रहती है, 4-8-9 बजे तक खुला रहता है, और कृपया करके ये हमारे औरतों की इज्जत के लिए कलेक्टर को बोलना चाहिए, सुनना चाहिए कि ये हमारा विज्ञापन सौंपे और हमारे ये ठेका हटाए प्लीज़। हमारे को बहुत तकलीफ होती है, बहन बेटी को भी तकलीफ होती है, और आने जाने को भी तकलीफ होती है, हमारा जीना आराम कर, अभी तक तो 4 दिन हुए, आगे क्या होगा वो तो पता नहीं है, इसलिए प्लीज़ हमारी ये रिक्वेस्ट है कि कलेक्टर साहब को ये हमारे औरतों की भावना नज़र रखते हुए ये हमारा उपदेश सुने, और ये काम कराना ही है क्या, पता नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि ये हमारे विज्ञापन सांग के हम औरतें घर पे चली जाए, ऐसी बात नहीं है, समय रहते हुए संभल जाए तो ठीक रहेगा, नहीं तो फिर हमारे को बाकी वाला जो भी है कुछ यूज करना पड़ेगा, फिर गलत कदम औरतें उठाएंगे, फिर आप औरतों को बोलेंगे, इसी निवेदन है कि औरतों की मध्यान्ह भावना को ठेस न पहुंचे, हमारा ये ठेका हटाए और दूसरी जगह लगाए, हम मना नहीं करते, वैसे भी सरकार के ये कानून है कि ठेका सिटी में नहीं लगना चाहिए, 5 किलोमीटर बाहर लगना चाहिए, फिर भी हमारे जैन मंदिर के एकदम बाजू में, जैन मंदिर की कुछ तो ख्याल रखें, घर के पास मंदिर में कैसे जाए, और घर भी जैनों का पास में, गली एक है, मोहल्ला जैनों का है, क्या करें बोलो, इस हिसाब हम परेशान होकर यहाँ आए हैं, कुछ हमारा समाधान करे, करना ही पड़ेगा उनको, क्यों कि वो गवर्नमेंट है, हम घर गृहस्थी संभालते हैं, इस हिसाब से हमारे औरतों का सुनना ही पड़ेगा, इसलिए कृपया करके ये हमारा काम करें, नहीं आराम से करें तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे देखेंगे।